भारतीय महिला टीम ने लिया बदला साउथ अफ्रीका महिला टीम से। वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला इतना तगड़ा लिया कि 8 विकेट से हरा दिया साउथ अफ्रीका महिला टीम को। दोस्तों अभी जानना चाहती हो किस खिलाड़ी ने कैसा प्रदर्शन किया और भारतीय टीम ने कैसे साउथ अफ्रीका महिला टीम को हराया, तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों साउथ अफ्रीका बोबेंस टीम ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पे 200 रन लगाए। साउथ अफ्रीका की ओर से सबसे ज्यादा रन टैमी ब्यूमेंट ने 62 रन की नाबाद पारी खेली और वहीं सुने लूस ने 36 रन की पारी खेली और काया ने 50 रन। दोस्तों भारतीय टीम इस स्कोर का पीछा करने के लिए मैदान पे आई तो भारत की ओर से स्मृति मंधाना के साथ शेफाली वर्मा ओपनिंग करने के लिए आई। हालांकि शेफाली वर्मा अपनी पारी को लंबा नहीं कर पाई और 37 रन पे अपना कैच दे बैठी और आउट हो गई। दोस्तों फिर स्मृति मंधाना का साथ दिया हरमनप्रीत कौर ने। हरमनप्रीत कौर ने 50 रन की नाबाद पारी खेल डाली और वहीं स्मृति मंधाना भी कहां कम रहने वाली थी। स्मृति मंधाना ने 73 रन की नाबाद पारी खेल डाली मात्र 37 गेंदों का सामना करते हुए, जिस दौरान 5 गगनचुम्बी छक्के जड़े। और इस तरीके से भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका महिला टीम को 8 विकेट के बड़े अंतर से रौंद दिया।